मॉनसून में बारिश भूस्खलन के चलते चार धाम यात्रा बाधित रही और श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट भी आई। वो अब पटरी पर चल निकली है। पहाड़ों पर मौसम सुहाना होते ही चार धाम यात्री यात्रा के लिए जुट रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कपाट बंद होने तक यात्रियों की एक बड़ी संख्या बद्रीनाथ धाम के हेमकुंड साहिब और गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचेगी। उत्तराखंड में मॉनसून ने राहत ली तो चार धाम यात्रा भी रफ्तार पकड़ने लगी। एक तरफ जहां बारिश भूस्खलन के चलते चार धाम यात्रा बाधित हो रही थी तो श्रद्धालुओं की संख्या में भी गिरावट आ रही थी, वहीं पहाड़ों पर मौसम के सुहाना होते ही धीरे धीरे चार धाम यात्रा पटरी पर लौट रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा में अब उम्मीद है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इसी तरह उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी मॉनसून सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या में जो कमी आई थी उसकी पूर्ति होने की उम्मीद नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुले थे तो वहीं हेमकुंड साहिब धाम के कपाट 22 मई को खोले गए थे। अगर अब तक वहाँ यात्रियों की संख्या पर गौर किया जाए तो बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 11,77,000 पहुंच चुकी है और हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1,45,000 हो चुकी है। वहीं गंगोत्री धाम में अब तक कुल 6,70,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में 5,50,000 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। माना जा रहा है कि मॉनसून के जाने के साथ ही बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर से अपने चरम पर चलेगी। साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम में सितंबर से अक्टूबर में कपाट बंद होने तक एक बार फिर से यात्रियों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।